हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम बात करते हैं कुछ भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव है, तो इसका आंसर है तृतीय नियम। जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि न्यूटन के तीन नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। इस पर मैं आपको वीडियो बनाऊंगी जिस पर मैं तीनों नियम को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो जल का तैरना न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है गाइस, कृष्णा छिद्र ब्लॉक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। क्या क्वेश्चन है, कृष्णा छिद्र ब्लॉक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। इसका आंसर है एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर जी ने, ठीक है, कृष्णा छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है। ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है, तो हम आप सभी को पता होना चाहिए कि फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें मात्रक यूनिट के बारे में आपको मालूम जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यूनिट सारे चीज की याद है, सारे मतलब कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी मतलब कि सिलेबस है, ठीक है, उन सभी में जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे ज्योति फ्लक्स के बारे में बता रहा है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। क्या होता है, ल्यूमेन। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती। क्या क्वेश्चन है गाइस, फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती। तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो शून्य में क्या करती है, संचरण नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, चलिए देख लेते हैं। फाइव नंबर हमारा क्वेश्चन है, मानव आंख के रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है। मानव आंख के रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रतिबिंब कितने होते हैं, ठीक है, दो होते हैं, एक होता है आभासी प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो जो हमारे मानव के आंख पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा बनता है, आभासी बनता है, और कौन सा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, आभासी सॉरी वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। कह रहा है आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, तो इसका आंसर होगा आयरिस। क्या होगा इस, आयरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब केवल किसमें परिवर्तित प्रभावित होंगे। कह रहा है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है, ठीक है, तब केवल किससे प्रभावित होंगे, तो तरंग दैर्ध्य तथा वेग से प्रभावित होंगे। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा एट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी में डुबोई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसका आंसर है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, संवृत्ति के कारण हमारा पानी में डुबोई हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। देखिए क्वेश्चन, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जहाँ तक देखा ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको हाइलाइट कर दिया है। किसी तुल्यकाली उपग्रह को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है तुल्यकाली उपग्रह के पृथ्वी की सतह से। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों पे, कह रहा है जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो तब बने हुए प्रतिबिंब को कितनी संख्या होगी, तो इसका आंसर होगा अनंत संख्या होगी। ओके गाइस, देखिए इसकी संख्या क्या होगी, अनंत। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस फिजिक्स हमारा एक ऐसा सिलेबस है कि क्वेश्चन को रटने से समझ में नहीं आता, ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, अगर आपको जो क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, इसका आंसर कैसे आया और ये क्या मतलब है इसका, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर जरूर बताएं ताकि मैं आपको उस चीज को डीपली बताऊं, क्योंकि वाकई में फिजिक्स और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है,
ठीक है, कि रटने वाली चीजें नहीं, सिर्फ इसको समझने वाली चीजें हैं। तो जहां तक ये क्वेश्चन जो ये चैप्टर से मैं बता रही हूँ, प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है, तो ये चैप्टर से जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसलिए इसको एक अलग से वीडियो बनाई है ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आंसर भी तो मैंने बता दिया इसमें, लेकिन गाइस एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जहां पे आपको समझ में ना आए उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति के लिए जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सुनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की जो स्थिति हमें जानना होता है कि वो कितने गहराई पर है, तो वो कौन सा यंत्र है गाइस, वो हमारा सोनार यंत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ट्यूब लाइट में वह ऊर्जा का लगभग कितने भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। कह रहा है ट्यूब लाइट में वह ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत प्रकाश में परिवर्तित होता है, तो इसका आंसर होगा 60 से 70%। 60 से 70 भाग हमारा ट्यूब लाइट में वह ऊर्जा होता है, ठीक है, मतलब कि परिवर्तित होता है लाइट प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित होता है, तो ऊपर सफेद नीचे काला। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, तो ध्रुवण प्रक्रिया। कौन सी, ध्रुवण प्रक्रिया जो होती है वो प्रकाश और ध्वनि में दोनों में घटित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, तो 1/6 भाग गुरुत्वाकर्षण, मतलब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के समान रखा गया। चंद्रमा एक्स, ठीक है, यहाँ पे चंद्रा लिखा है, चंद्रमा ही होगा। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के समान में रखा गया, तो एस चंद्रशेखर, क्या होगा इसका गाइस, एस चंद्रशेखर के समान में रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य को ध्वनि, क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किसकी कितनी आवृत्ति सीमा में होती है। क्या कह रहा है, कह रहा है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति कितनी आवृत्ति सीमा में होती है, तो इसका आंसर होगा, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कूलिज नलिका का प्रयोग कौन सी क्रीड़े उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कूलिज नलिका का प्रयोग कौन सी क्रीड़े उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, क्या आंसर होगा इसका, एक्स क्रीड़े जो होता है वो कूलिज नलिका का प्रयोग करने के लिए, क्रीड़े का उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, जब जर्मनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा कि जब भी जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वहां पे सेमीकंडक्टर, मतलब बाहर सेमीकंडक्टर बन जाता है। ओके, 20 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 20 क्वेश्चन देख लीजिए गाइस। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूर की वस्तुओं की निरीक्षण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा दूरदर्शी प्रकाशी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, तो आपको मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि जहाँ पे आपको न समझ में आए कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 21 नंबर, निकट दृष्टिकोण दूर दृष्टिकोण करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग में लाया जाता है। निकट दृष्टिकोण दूर दृष्टि करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ना तो दर लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की कौन सी राशि प्राप्त की जाती है, तो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की भौतिक राशि प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 23 नंबर, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग है, उन्हें क्या पहनने रखना चाहिए, क्या चश्मा
क्या पहने रखना चाहिए? चश्मा। क्यों? क्योंकि जो हमारे चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का जब भी वो प्रयोग करें तब उन्हें हमेशा आई में चश्मा का प्रयोग करना चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्या कह रहा है? प्रकाश के प्रकारों में नीला और लाल पौधा द्वारा क्या होता है? त्रु अवशोषण होता है। क्या होता है? त्रु अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर हमारा क्या कहता है? 25 क्वेश्चन लास्ट है, चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किसको नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं? किसको नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु में गर्म करके पैदा करते हैं। ओके गाइस, एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणों के नियम, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का नियम उपयोग किसको बनाने में किया गया है? मतलब कि विद्युत चुंबकीय, ठीक है गाइस, क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया गया है? तो जनित्र को बनाने में विद्युत चुंबकीय प्रेरक के नियम को किया गया। ओके तो चलिए गाइस, इस तरीके से हमारा 26th क्वेश्चन, ठीक है, आपके फिजिक्स के थे। तो गाइस इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये क्वेश्चन गाइस बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर फिर से मैं आपसे बोल रही हूँ कि फिजिक्स का क्वेश्चन रटना नहीं है, समझना है, और आपको जहाँ ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो